बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल फार्मिंग में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आज मैं आपको बछड़ों का वज़न बढ़ाने का एक नुस्खा बताऊंगा। अगर आपने कुर्बानी के लिए बछड़े रखे हुए हैं या वैसे आपको शौक़ है उनको रखने का, बछड़े पालते हैं, तो उनका वज़न बढ़ाने का एक नुस्खा मैं आपको बताऊँगा। वो आप करें तो इंशाल्लाह आपके बछड़ों का वज़न जो है वो बढ़ेगा। तो उसके लिए आप बेशक ये नुस्खा लिख लें। नंबर एक आपने लेना है मकई का दलिया 20 किलो। नंबर दो आप ले लें खल बनोला 20 किलो। नंबर तीन आ जाएगा चोकर गंदम 20 किलो। नंबर चार आएगा चने का करा 20 किलो। नंबर पाँच खल सरसों आप लें, ये लेनी है 17 किलो। 1 किलो आपने लेना है मिनरल्स मिक्सचर। 1 किलो आपने DCP पाउडर लेना है। 1 किलो नमक। ये तमाम अज्जा मिक्स कर लेने हैं। तो बड़े जानवर को आप ये खुराक 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम देनी है। ये आपने भगो कर रोज़ाना फी जानवर तोड़ी में मिक्स करके दें। बाद में मकदार बढ़ाकर 3 किलो सुबह और 3 किलो शाम कर दें। साथ सब्ज चारा या आपको सैलेज अवेलेबल है तो वो दें। वंडा भी साथ इस्तेमाल करवाएं। 50 ग्राम मीठा सोडा रोज़ाना आपने ये भी देना है। और साथ वंडे में 20 ग्राम सरसों का तेल रोज़ाना मिक्स करके खिलाएं। अगर सरसों के तेल वाला वंडा आपके जानवर नहीं खाता तो तेल लस्सी या दही में मिक्स करके जानवर को पिला दें। छोटे बच्चे को मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि छोटे बच्चे को 3 माह तक सब्ज चारा नहीं देना। उसको भी ये आप खुराक दे सकते हैं 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम। याद रखें ये जब भी आपने ये खुराक देनी है तो पानी जानवर के पास हर वक्त मौजूद हो। एक बात आप नोट भी कर लें, जो सरसों की खल है वो गर्मी में इस्तेमाल करनी है। सर्दी में इसकी जगह गंदम का दलिया, गुड़ और साथ वंडा इस्तेमाल करें। डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेहरबानी करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको कोई बात मुझसे पूछनी हो तो वो आप कमेंट में करें, मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैंने आपको बछड़ों का वज़न बढ़ाने का तरीका बताया था, ये कुर्बानी वाले जानवर जो आप रखते हैं उनके लिए नहायत मुफीद है, उनका वज़न भी बढ़ जाएगा। ये आप जब कुर्बानी के दिन नज़दीक आए, 2-3 महीने रहते हों, तो ये आप नुस्खा शुरू कर दें। इंशाल्लाह जानवर का वज़न बढ़ेगा और मार्केट में उसका रेट भी ज़्यादा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।